हरे कृष्णा। गाइस, आज हम जिस मंदिर की बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है जो वृंदावन में स्थित है, श्री राधा दामोदर मंदिर। कहा जाता है इसकी चार परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। यह मंदिर 450 वर्ष पुराना मंदिर है। गिरिराज शिला यहाँ पर है जिसकी परिक्रमा करने से गोवर्धन की 7 कोस लंबी परिक्रमा का पुण्य लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ पर जीव गोस्वामी जी की समाधि भी है। ये देखिए, ये जीव गोस्वामी जी की समाधि है। और कहा जाता है यहाँ पर 1543 की माघ शुक्ल दशमी के दिन श्री रूप गोस्वामी ने यहाँ राधा दामोदर जी के विग्रहों की स्थापना करके उनकी सेवा का भार जीव गोस्वामी जी को सौंप दिया था। और कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। बाद में जब वृद्धावस्था में आ गए तो उनकी असमर्थता को देखकर भगवान ने बालक के रूप में प्रकट होकर उन्हें 1.5 हाथ लंबी वटपत्राकार श्याम रंग की गिरिराज शिला दी। उस पर भगवान के चरण चिन्ह, गाय के खुर के चिन्ह भी थे। भगवान ने गोस्वामी जी को आदेश दिया कि अब वह वृद्धावस्था में गिरिराज पर्वत की बजाय इसी शिला की परिक्रमा किया करें। इसके बाद यहाँ परिक्रमा लगाने का चलन शुरू हो गया। और इस मंदिर में गौशाला भी है, आप देख सकते हैं। इस मंदिर में साथ ही आपको जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, इसके अलावा स्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा की मूर्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। और यहीं पर प्रभुपाद ने भक्ति की थी आकर। सो अभी इस मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। सो आप देख ही सकते हैं, इस मंदिर में ऐसा फीलिंग आता है जैसे हम गोवर्धन की परिक्रमा ही लगा रहे हो। छोटे छोटे मंदिर से भी बने हुए हैं यहाँ पर जगह जगह पर। और इसके अलावा गिरिराज जी की शिला भी आज भी रखी हुई है इस मंदिर में। लोग आते हैं यहाँ रोजाना और यहाँ परिक्रमा भी लगाते हैं, जिसका फल श्री गोवर्धन की जो परिक्रमा है उसके समान ही लोगों को प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं लोग हैं यहाँ परिक्रमा लगाते हुए। यहाँ की 4 परिक्रमा की मान्यता है, 4 बार परिक्रमा लगा दो इस मंदिर की, देन गोवर्धन की 1 परिक्रमा पूरी मानी जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो लोग इस मंदिर के बारे में नहीं जानते, या फिर जो जानते हैं या फिर किसी कारणवश इस मंदिर में नहीं आ पाए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।